क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य? ये सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में घटनाक्रम बदला है उसके बाद कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जबरदस्त चर्चा में है। अगर आप लोग यूपी के राजनीति के बारे में जानते होंगे तो ये बात भले भांति जानते होंगे कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य कौन है और उनका यूपी के राजनीति में कितना बड़ा कद है। तो आखिरकार अब उनके भविष्य पर क्यों सवाल उठ गया है, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2022 में जब अभी यूपी में चुनाव हुए हैं तो बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करके आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये पहली बार होगा यूपी के राजनीति में कि कोई एक मुख्यमंत्री अपना पहला पूरा कार्यकाल खत्म करके दूसरी बार के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने ये एक बड़ा कीर्तिमान बना दिया है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है आने वाले राजनीति भविष्य के लिए। लेकिन सवालों के घेरे में फिलहाल जो है वो है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, साल 2017 में जब बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला था उस समय के चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं उनको बीजेपी की ओर से चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा आगे बढ़ाया गया था। हालांकि इस बात की आधिकारिक ऐलान कभी नहीं हुआ, लेकिन जब चुनाव में बीजेपी को प्रचंड सफलता हासिल हुई और बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 से ज़्यादा सीटें जीत गई, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बीजेपी के ओर से मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को आगे लाया गया और उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन इस बार जब साल 2022 में यूपी में चुनाव हुए तो एक चीज़ तो सभी को पता थी कि मुख्यमंत्री तो योगी ही होंगे अगर बीजेपी जीतती है तो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का क्या रोल होगा इस पर सभी की नज़रें थी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो सभी को चौंका दिया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और 2022 के हुए यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपने ही क्षेत्र से जीत हासिल नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे। अभी बहुत तरीके की खबरें सामने आती है कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो कभी यह खबर आती है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दोबारा से दी जा सकती है, तो कभी खबर ये आती है कि उनको भले ही उप मुख्यमंत्री ना बनाया जाए लेकिन बीजेपी अपने प्रमुख अंगों में से किसी एक में उनको जगह दे सकती है। तो इस तरीके की तमाम खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी खबर आधिकारिक नहीं है, किसी भी खबर पर मोहर नहीं लगी है कि आखिरकार अब जो है केशव प्रसाद मौर्य की क्या जिम्मेवारी होने वाली है यूपी के राजनीति में। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भले ही ये चुनाव हार गए हों लेकिन जो उनका कद है यूपी के राजनीति में वो कम नहीं हुआ है और उनके जो वोट है, उनके जो पसंदीदा है, उनके जो समर्थक है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और मानकर यही चला जा रहा है कि एक बार फिर से डिप्टी सीएम के पद संभालेंगे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन इसको अभी आधिकारिक रूप से कहा नहीं जा सकता, तो देखना होगा कि यूपी के राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य की जो किस्मत है वो किस तरफ करवटे लेती है और उनका क्या भविष्य होगा। क्या वो बीजेपी के संगठन में जाएंगे या फिर उनको बीजेपी राज्यसभा या फिर किसी अन्य जगह पर लाने की कोशिश करेंगे या फिर उनको सीधे सीधे एक बार फिर से यूपी के डिप्टी सीएम के तौर पर पेश किया जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आपको सबसे पहले एएमए नेटवर्क पर मिली और जब अब सरकार बनने की बारी है तो उससे जुड़ी हुई हर खबर आप लोगों को सबसे पहले एएमए नेटवर्क पर ही मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।